फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब स्टूडेंट्स को हमारे स्टूडेंट्स को जब मॉडल्स दिए गए थे सब मिक्स स्टेज ग्रुप दिया गया था. सो हमारे पास जो मॉडल्स थे वो 20 साल के भी थे, 40 इयर्स एंड अबाव भी थे. सो वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि आपको मॉडल जैसे ही मिलता है आपको उनको उनका बेस्ट लुक देना है. बिकॉज ये राउंड जो उनका था वो फोटोशूट राउंड था जिसमें आपका पोर्टफोलियो जो आपका पिक्चर है वो तभी ही अच्छा आएगा अगर आपका मेकअप प्रोफेशनल करेंगे. सो एट लैक्मे अकेडमी मीरा रोड जब हम ट्रेन करते हैं हम स्टूडेंट्स को उतना गाइडेंस से सिखाते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स ने जब वो इवेंट पे पहली बार उन्होंने मॉडल्स को फर्स्ट टाइम मेकअप करके दिया दे गेव द बेस्ट एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उनके पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आए होंगे. एक्चुअली आई एम द मेकअप ट्रेनर फ्रॉम लैक्मे अकेडमी मीरा रोड. सो एंड दे आर माई स्टूडेंट्स. सो आई वॉज लाइक मोर इट वॉज एन एग्जाम फॉर मी. ओके मेरा एग्जाम जैसा हुआ तो ऑल द वे हमारा जो शो था वो अच्छा गया एंड सारे कंटेस्टेंट्स जो है उनको उनका मेकअप भी पसंद आया. तो ये सबसे बड़ी बात है एंड खुशी है. पहला रिएक्शन इज दैट ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव डन अ गुड जॉब. वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज जैसे जैसे चैलेंजेस थे और हर एक चीज़ में उन्होंने जो परफॉर्म किया है और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट. सो बेसिकली कैसा होता है कि अगर हम एक फ्रीलांसर एज अ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो हम जिसे भी रेडी कर रहे हैं हम उनका एक ट्रायल राउंड लेते हैं. हमें उनकी फीचर्स पता होते हैं, हम उनको बारीकियों से हम उन पे कर सकते हैं कि ये उन्हें पसंद आएगा, ये कलर्स उन पे अच्छे लगेंगे. बट यहाँ पे हमें अचानक से जैसे मैंने बोला आपको कि हमें रैंडम मॉडल्स दिए गए थे कि हर एक एज ग्रुप के, तो उनका आउटफिट क्या था, उनके फीचर्स क्या थे, उनको किस तरह का मेकअप पसंद है, वो पूरा एक अलग चैलेंजिंग फेज था हमारे लिए जिसको हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरह से किया. मेक श्योर किया कि वो जो भी मॉडल को रेडी कर रहे हैं वो उनका बेस्ट यू नो आउटकम निकाल रहे हैं. उनके यही क्वेश्चंस थे कि मैम मॉडल्स कैसे रहेंगे या कौन से एज ग्रुप के रहेंगे, यही इम्पॉर्टेंट था उनके लिए एंड वो चैलेंज उन्होंने फेस किया. सो सबसे बड़ा एक्चुअली वही चैलेंजिंग जॉब है कि आप कोई भी आपको सामने मॉडल के तरीके पे बैठ जाए एंड आपको उसे खूबसूरत बनाना है, बट दैट्स इट. तो वी हैव फोर ब्रांचेस, लैक्मे मीरा रोड, लैक्मे मलाड, लैक्मे वाशी एंड लैक्मे साइंस एंड अपकमिंग हमारा जो सेंटर आ रहा है वो अंधेरी में आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग करियर कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, इस तरह के कोर्सेज हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जिसमें हेयर, मेकअप, स्किन एंड नेल्स एंड कॉस्मेटोलॉजी जो ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स अच्छे से ट्रेंड होके अच्छे से ट्रेंड होके प्रॉपरली हम इस तरह से उनको इवेंट में लेके जाते हैं एंड वी आर गाइडिंग देम फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स पे गाइड करके उनको प्लेसमेंट असिस्टेंट्स भी देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्राची फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस. लास्ट ईयर सीजन 3 में भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम पे दी थी और लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने उनको बहुत अच्छे से निभाई थी. तो ये टाइम भी उन्होंने हम पे वो ट्रस्ट दिखाया है एंड दिस ईयर भी हमारे स्टूडेंट्स आज तो काम अच्छा उन्होंने किया ही है तो कल का फिनाले का भी राउंड वो लोग अच्छे से करेंगे एंड मे द बेस्ट गर्ल बीन मिस एंड मिसेस बोथ, ऑल द बेस्ट फॉर देम. रिएक्शन ओवर द सी बेसिकली कैसा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि स्किल आपको कहीं पर भी सीखने मिल सकता है बट बहुत उसके साथ में इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर किस तरह से दिया जाए. अभी हम जब हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं इन अ सेंटर या एकेडमी हम 2 घंटे या पर्टिकुलर 1.5 आवर में वो पूरा मेकअप कंप्लीट करते बट यहाँ पे चैलेंजिंग न्यू स्किन टाइप के अलावा फीचर्स एंड अकॉर्डिंग टू द इवेंट किस तरह से रेडी करना है कि इंडस्ट्री में किस तरह से बैक स्टेज पे काम होता है. लाइक टुडे वी हैड ऑलमोस्ट 13 to 14 स्टूडेंट्स जिनने ऑल ओवर अगर मैं देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30 मॉडल्स के ऊपर उन्होंने मेकअप और हेयर करके दिया विद इन अ स्पैन ऑफ 5 आवर्स में. तो वो किस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है वो उनको हम एक ग्लिम्स देते हैं कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग आता है ताकि कल को इफ दे आफ्टर इन द फ्यूचर स्किल सीखने के बाद अगर उनको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है सो दे आर प्रिपेयर्ड कि उनको आता है कि किस तरह से बैक स्टेज में काम होता है, किस फुर्ती से काम होता है, एफिशिएंट कितना होके उनको काम करना है. वो हमने ये आज के इवेंट की वजह से उनको वो एक एक्सपीरियंस मिल गया है एंड जो उनके CV में एज अ फेदर काउंट करता है क्योंकि ऑल ओवर मुंबई आपको अगर लैक्मे अकेडमी मीरा रोड को एज अ ग्रूमिंग पार्टनर उन लोग ने सेलेक्ट किया है सो ऑब्वियसली उनको वो
काबिलियत दिखी है स्टूडेंट्स में, एंड हम लोग एंड वी आर जस्ट एज अ टीम ग्लैड कि हमारे स्टूडेंट्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाई है. अभी फ़िलहाल तो इन्होंने, तृप्ति मैम ने और प्रीति ने ऑलमोस्ट सारा चीज़ बता दिया एंड वो मुझे सही लगा. मैं बस कहना चाहूँगी कि सारे कंटेस्टेंट्स एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी सो दैट टुम कल भी जो भी फंक्शन है वो एकदम अच्छी तरह से जाए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच.